सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ऑल न्यू 2022 पल्सर 150 BSX मॉडल का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और जानने वाले इस बाइक के इंजन स्पेक, फीचर से लेकर सब कुछ के बारे में। और दोस्तों, लास्ट में बात करेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में भी। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी मस्कुलर फ्रंट हेडलाइट पोर्शन देखने को मिल जाता है, जिसके बीच में दोस्तों आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है और दोनों साइड में आपको DRS देखने को मिल जाते हैं। ऊपर में दोस्तों यहाँ पर आपको वाइजर देखने को मिलता है, जिसके बीच में आपको बजाज कंपनी का 3G लोगो देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों साइड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं और कुछ इस टाइप का आपको मड गार्ड देखने को मिलता है, जिसके ऊपर दोस्तों आपको कार्बन फाइबर का काफ़ी अच्छा फिनिश देखने को मिलता है। और सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करें, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के टायर सेक्शन के बारे में, तो फ्रंट में आपको 80/100 सेक्शन का 17-inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको लेगार्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत इंजन काउल देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स का कंपनी ने यूज किया है। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, तो इसमें आपको बजाज कंपनी का DTSI 150cc का एयरकूल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा पिकअप और टॉप एंड परफॉर्मेंस ऑफर करता है, जिससे दोस्तों इस बाइक को आपको सिटी में और प्लस हाईवे में भी चलाने में काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के टैंक के बारे में, तो इस बाइक में आपको काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी शार्प टैंक देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर दोस्तों आपको पल्सर का 3G लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है इस बाइक के ऊपर। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 15 liters का काफ़ी ह्यूज फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा रेंज ऑफर हो जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन फाइबर में आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों इस बाइक के टैंक को काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देने वाला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल के कॉम्बिनेशन में कन्वेंशनल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, जिसके लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको शिफ्ट लाइट और यहाँ पर इंजन माल फंक्शनिंग लाइट और दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीड पता चलता है, फ्यूल पता चलता है और टाइम वगैरह पता चलता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में आपको काफ़ी खूबसूरत बैकलाइट फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों रात के टाइम पर काफ़ी अच्छा ग्लो करते हैं और देखने में इस बाइक को काफ़ी प्रीमियम बनाते हैं। स्विचेस के बारे में बात करते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलता है, सेल्फ स्टार्टर स्विच। लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पास स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आते हैं सीट के ऊपर, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये सिंगल सीट वाला वेरियंट है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको प्लेन सीट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी लंबा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो 3 लोग काफ़ी कंफर्टेबली बैठकर राइड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको 150 का स्टिकर देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के साथ। साइलेंसर के बारे में बात करते हैं, तो साइलेंसर भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर इस बाइक में दिया गया है, जो कि इस बाइक की बल्किनेस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। बाकी दोस्तों ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं, तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको टायर हगर देखने को मिलता है। टायर के बारे में बात करते हैं, तो रियर में आपको 100/90 सेक्शन का 17-inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा नाइट्रो सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट ऑफर करता है। वही दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं, तो इस बाइक में आपको 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी दोस्तों बाइक के लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको साइड गार्ड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको फुटपेक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बने हुए हैं। और यहाँ पर आपको 5-speed का गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। बाकी दोस्तों चलिए बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो हमारे एरिया सासाराम रोहतास बिहार बाबा बजाज के ऊपर इस बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको करीबन 1,29,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है, यानी कि दोस्तों 1,29,000 के अप्रॉक्स में इस बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको शोरूम विजिट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बजाज कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक 150cc सेगमेंट में एक बेहतरीन बाइक लेनी है, जिसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हो, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलता हो, जिसका मतलब कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हो, देन यू कुड गो विद दिस बाइक। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ।